हाकिम गयो रे भैया आ गए हाकिम काले, गोरे हाकिम गयो रे भैया आ गए हाकिम काले। बदल गई है चाबी लेकिन बदले नहीं है ताले, तो की मैं झूठे भोले आ आज हेच राष्ट्रीयकरण केल्यानंतर LIC आणि GIC कंपन्यांनी ह्या देशाच्या खूप इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आणि पंचवार्षिक योजनांमध्ये पैशाचा आणि लागेल तसा त्यांना आर्थिक मदत केली। ज्या खाजगी कंपन्यांना परदेशी आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कंपन्यांना ते देता आज इथे बोलावत आहेत, ह्या लोकांचा इथे तर नाहीच पण परदेशातही त्यांचा अनुभव काय चांगला नाही। आज कुठलीही इमर्जन्सी नसताना ह्या प्रकारचा अध्यादेश काढून ह्या देशाच्या घटना किंवा ह्याचा जो गैरवापर करून हे सरकार जे आहे ते भांडवलदारांना आणि कॉर्पोरेट्सला फायदेशीर अशी धोरणं घेतो आहे आणि त्याला आमचा पूर्णपणे विरोध राहणार आहे। किती गरिबांची घरं बुलडोज केली जातात, पायदळी तुडवली जातात याचा आपल्याला अंदाज येत नाही। या सगळ्याच्या विरोधात आज विविध संस्था संघटना रस्त्यावर उतरले। भारत सरकार और सारे पैसे वो लोग कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो लूट मचा रखी है इसी लूट को आसान करने के लिए इन्होंने अब जमीन अधिग्रहण कानून पारित कर रहे हैं कि ये सारी जमीनें जिसमें कोयला है, जिसमें पानी है, जिसमें खनिज पदार्थ है, वो सारी जमीनें बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी जाए, जनता की मर्जी हो या ना हो दे दी जाए और वो कंपनियां उससे पैसे कमाए। तो इसका विरोध होना चाहिए। तो जमीन अधिग्रहण का मामला सिर्फ उन गांव वालों का नहीं है जिनको उनके घरों से हकाला जाएगा,
जमीन अधिग्रहण का मामला, फिर जब वो कंपनी उन वो खनिज पदार्थ के दाम आसमान में पहुंचाएंगी और नफा कमाया जाएगा, तो हमारी और आपकी जेब से ये लोग पैसा लूटेंगे, हमारी जेब काटेंगे। तो इसीलिए हमको इसका विरोध करना चाहिए, आंदोलन खड़ा करना चाहिए। देश भर में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध करना, उनका समर्थन करना चाहिए और एक व्यापक देशव्यापी आंदोलन इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहिए।